नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है, क्यों हुआ है वो भी समझ हुए। एसपी विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार रखने का आरोप था, 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार रखने का और खरीदने का आरोप है। 27 जुलाई तक अगर कोर्ट में पेश नहीं हुए तो खैर नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ संसद भवन परिसर में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आगाज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बैठक में हिस्सा लिया। सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों ने सभी दलों से राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान उत्पन्न नहीं करने के लिए आग्रह किया है। साथ ही विधानमंडलों की घटती तादादों पर और बैठकों पर भी चिंता जाहिर करी है। इस दौरान अगले महीने कनाडा में आयोजित होने जा रहे 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन पर चर्चा भी हुई, जिसमें जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहेगा। तो वहीं लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। विधानसभा में मतदान करने के लिए 4 टेबल बनाई गई हैं, जिसके तहत लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जिनको निर्वाचन आयोग ने लखनऊ में मतदान करने का अधिकार दिया हुआ है, वो टेबल नंबर पर अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी पर्ची 18 जुलाई को वो विधानसभा के तिलक हॉल में से ले सकते हैं। आपको बता दें, सदस्य संख्यावार और निर्वाचन क्षेत्रवार इन टेबल्स पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय चल रही है, ख ग और घ, इस पर निर्वाचन कर सकते हैं, मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ में बने सबसे बड़े लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हुए हंगामे के बाद अब वहां पर होने वाले सुंदरकांड के पाठ को टाल दिया गया है। लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने की घटना के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वहां पर सुंदरकांड पढ़ने का जो ऐलान था उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन अब इस ऐलान को वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि 11 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ था, ठीक 2 दिन बाद ही यानी कि 13 जुलाई को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग लुलु मॉल में नमाज पढ़ते नजर आ रहे थे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने लुलु मॉल में जिस जगह नमाज अदा हुई थी वहीं सुंदरकांड का पाठ करने की बात कही, लेकिन मॉल के मैनेजर ने माफी मांगी, जिसके बाद सुंदरकांड पाठ टाल दिया गया। अब हिंदूवादी नेता की पत्नी सुंदरकांड का पाठ करने पर अड़ी हैं। पहले जानते हैं क्या है विवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 2 दिन बाद यानी 13 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग लुलु मॉल में नमाज पढ़ते नजर आ रहे थे। इस पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा समेत अन्य हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यहां मॉल के नाम पर मस्जिद बनाई गई है। लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल। लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल सुशांत गोल्फ सिटी में बना है। ये मॉल 2.2 मिलियन वर्ग फीट में बनाया गया है। यहाँ सबसे खास लुलु हाइपर मार्केट है, कई ब्रांड के शोरूम भी खोले गए हैं। मॉल में 15 रेस्टोरेंट और कैफे हैं, 25 ब्रांड आउटलेट के साथ फूड कोर्ट भी है, जिसमें 1600 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। मॉल में धार्मिक कार्य या प्रार्थना की अनुमति नहीं। लुलु मॉल के महाप्रबंधक समीर वर्मा ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है, किसी भी प्रकार के संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहां अनुमति नहीं दी जाती है। हमारे फ्लोर व सुरक्षा स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाता है कि ऐसी गतिविधियों की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा, इस मॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। सभी से हमारी अपील है कि इसमें हमारा सहयोग करें। कौन है मॉल के मालिक? यूसुफ।
केरल के त्रिशूर जिले में पैदा हुए लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली ने यूएई में जमकर पैसा कमाया और कारोबार इतना फैलाया कि आज 22 देशों में उनका निवेश है। भारत में अब तक वो 4 बड़े मॉल तैयार कर चुके हैं। 8 अरब डॉलर सालाना का टर्नओवर भी है। नमाज का वीडियो जारी करते हुए हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि ये मॉल नहीं मस्जिद है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई करने की अपील की। फिलहाल सुंदरकांड पाठ नहीं किया जाएगा। अब नमाज का वीडियो आने के बाद मॉल के PRO ने FIR दर्ज करवाई है। धारा 153A, 295A, 341 समेत कई अन्य धाराओं के तहत मॉल के अंदर नमाज अदा करने वालों पर केस दर्ज कराया गया है। वहीं इस मामले से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। थमने का नाम नहीं ले रहा है लुलु मॉल विवाद। लुलु मॉल पहुंचे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य। लुलु मॉल में सुंदरकांड पाठ पढ़ने की कोशिश भी की गई है। लुलु मॉल के गेट पर ही सभी को रोक दिया गया। पुलिस ने 3 सदस्यों को हिरासत में भी लिया है। हिंदू महासभा के अधिकारियों ने फैसला लिया था और ये निर्णय हुआ था कि अब मॉल में सुंदरकांड का पाठ नहीं होगा। अधिकारियों के मनाने पर परिषद ने ये बात मान ली थी, उसके बावजूद इस तरीके की घटना देखने को मिली है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अशर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अशर, क्या कुछ अपडेट है? जब हिंदू महासभा ने एक बार कह दिया कि नहीं होगा पाठ, फिर भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या सभा के अध्यक्ष का ही अपनी सभा पर, अपने दल पर, अपने लोगों पर कंट्रोल नहीं है? बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद आज एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से हिंदू संगठन है, हिंदू समाज, उसके कुछ लोग, लगभग 1 दर्जन लोग, लुलु मॉल के गेट पर पहुंचते हैं और अंदर जाकर सुंदरकांड करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनको गेट पे ही पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया और उनको, उनमें से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो हिंदू महासभा संगठन के शशि चतुर्वेदी द्वारा कही गई थी बात, उसी बात के चलते ये लोग अंदर जा रहे थे सुंदरकांड करने, या फिर ये कोई और संगठन के लोग हैं। लेकिन फिलहाल इस तरीके की जो वारदात हुई है, जो मामला हुआ है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट थी। पुलिस ने वहां जाकर के तुरंत मौके से लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है और ये बात जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कौन लोग थे और कहां से ये जा रहे थे और क्या कुछ इनकी नीतियां थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ की कोशिश हुई है। फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये लोग हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं या अन्य किसी संगठन से ताल्लुक रखते हैं जिनकी तरफ से ये कोशिश की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 16 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी जालौन पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी यूपी और जालौन की जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस महीने यूपी का दूसरी बार दौरा करने जा रहे हैं। चित्रकूट से इटावा तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि कैथेरी में जनसभा के लिए मंच भी तैयार हो गया है और 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 28 महीने का वक्त लगा है, जिसकी लागत करीबन 15,000 करोड़ के आसपास आई है। एक्सप्रेसवे के बनने से यहां की आर्थिक व्यवस्था में सुधार माना जाएगा। यहाँ के किसान सीधा दिल्ली की मंडी से जुड़ पाएंगे, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भी एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जालौन आकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे व बुंदेलखंड की जनता को नई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उस स्थल को दिखाया जाए, हम अपने कैमरा पर्सन से कहते हैं कि यहाँ को दिखाया जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर में बना हुआ है और बुंदेलखंड के 7 जिलों को जोड़ता है। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, औरैया, इटावा व जालौन, जालौन के 64 गांव व 78 किलोमीटर को ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जोड़ता है। यहाँ की जनता को एक नई सौगात के रूप में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिलेगा और यहाँ आय के स्रोत अधिक से अधिक बढ़ेंगे व यहाँ के किसानों को, युवाओं को एक बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने से महज
दिल्ली से चित्रकूट या चित्रकूट से दिल्ली जाने के लिए 4 से 5 घंटे लगेंगे, जैसे चित्रकूट से दिल्ली जाने में 9 से 10 घंटे लगा करते थे। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने से समय की बचत, आय के स्रोत और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जालौन से दिव्यांशु कुमार, जनता टीवी। आपको बता दें, हमेशा से कहा जाता रहा है कि बुंदेलखंड की धरती हमेशा से प्यासी रहती है, और ये जो एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है इसमें ज़्यादातर बंजर जमीन का इस्तेमाल किया गया है, और सरकार की ये कोशिश है कि बंजर जमीन से उम्मीदों की बरसात हो सके, आर्थिकी की बरसात हो सके, विकास की बरसात हो सके। सवाल है विकास पर, क्योंकि फिरोजाबाद में बेटी की प्रेम कहानी से खफा पिता ने उसकी आरी से गला काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवती का एटा जिले के रहने वाले किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती का प्रेमी से मिलना जुलना बाप को नागवार गुजरा। जब इस बात की जानकारी युवती के पिता को हुई तो उसका विरोध किया, लेकिन पिता के विरोध के बाद भी सिलसिला जारी रहा तो पिता ने आवेश में आकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू करी है। तो वहीं इस वारदात पर एसपी देहात डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि युवती के पिता युवती से काफी परेशान थे, इसलिए पिता ने बेटी की आरी से गला काटकर हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पिता ने खुद पुलिस को इत्तला करी है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर में तिलक नगर स्थित मोहल्ले में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल फॉरेंसिक टीम को साथ लेकर थाना उत्तर की टीम वहां पर पहुंची। वहां पर जो कंडीशन देखी, लड़की की वहां पर मौत हो गई थी और उसके पिता वहां पर थे, जिनको अरेस्ट किया गया, हिरासत में ले गए, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एकत्रित किया गया। इस किस्म का भी क्या प्रेम और इस किस्म का भी क्या मान कि आप अपने बच्चों के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। और ज़रूरत इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी होनी चाहिए, उनको शिक्षित करने की भी होनी चाहिए, क्योंकि विकास की दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे आगे निकल जाएं और माँ बाप पीछे छूट जाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी में सिरफिरे युवक ने अपने पिता और छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया। हमले में भाई की मौत हुई और आपको बता दें कि पिता गंभीर तौर पर घायल हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी युवक ने 2 दिन पहले अपनी पत्नी को भी मारकर घर में दफना दिया था। वारदात के बाद सनकी युवक ने खुद को भी गोली मार ली, घायल कर लिया। पूरे घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। हाँ, प्रथम दृष्टया अभी हम मौके पर हैं और यहाँ सभी जो एविडेंसेज हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आया है कि ये व्यक्ति जिसने सभी को मारा है, इसकी जो पत्नी है उनका इसको शक था कि उनके छोटे भाई से कोई संबंध है, जिसको लेके इसने बताया कि मैंने समझाया भी अपनी पत्नी को, लेकिन इन लोगों के आपस में बातचीत बंद नहीं हुई। यही इसको कुछ दिमाग में कंफ्यूजन था और उसको लेके इसने आज ये घटना को कारित किया है, ये प्रारंभिक कारण पता चला है। तो दूसरी तरफ रायबरेली में नूपुर शर्मा के समर्थन में आए एक बीजेपी नेता पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अली हैदर नकवी ने नूपुर शर्मा के बयानों का समर्थन और मुस्लिम समाज पर टिप्पणी भरा पोस्ट किया था, जो कि तेजी से वायरल हो रहा था। पोस्ट में नकवी ने मुस्लिम समाज के लिए जालीदार, टोपीबाजों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि नकवी भाजपा आईटी सेल रायबरेली का जिला प्रमुख था, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आज पीसी की। इस दौरान उन्होंने सरकार के 100 दिनों के पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां साझा की। उन्होंने कहा, निकायों में सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में सफाई अभियान का आगाज हमने किया। साथ ही प्रदेश में 17 स्मार्ट सिटीज के लिए सेंटर, डिजिटल मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। और क्या कुछ का सुनिए। 11 जुलाई को जो हमारी पीक डिमांड थी 26,504, वो हमारे सारी पूरी टीम, हमारे राज्य मंत्री से लेकर के एक छोटे लाइन, हमारे मंत्री से लेकर के एक छोटे लाइनमैन तक की जो हमारी टीम होती है, हम सब लग गए। आपको कुछ मैं फिगर देना चाहूंगा कि हमारी जो अभी 11 जुलाई को जो हमारी वहीं एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने एमएसएमई सेक्टर में जो काम हुए हैं 100 दिनों के अंदर वो साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि हर रोज एक इकाई चलाने का काम हम कर रहे हैं। वहीं ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के माध्यम से जिलों के उत्पादों को बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। 20 सुविधा केंद्रों पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ODOP उत्पादों से सम्मानित करने का काम भी किया है।
तो वहीं पूर्व भाजपा नेता नारायण भदौरिया एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। कानपुर में हुए टेनरी प्रकरण मामले में नारायण भदौरिया का नाम मुख्य सूत्रधार के तौर पर सामने आ रहा है। साथ ही हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस की हिरासत से भगाने का आरोपी भी नारायण भदौरिया है। इसमें सवाल ये उठता है कि नारायण भदौरिया के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज होने के बावजूद क्यों कानपुर पुलिस उन पर इतनी मेहरबान नजर आ रही है? आखिर किसके दबाव में पुलिस भदौरिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? तो वहीं हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दरअसल आज हरिद्वार में कांग्रेस और बसपा से आए कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस और बसपा के 44 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। कांग्रेस के वो बड़े नेता जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की उनमें विधानसभा चुनाव में खानपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सुभाष चौधरी, लक्सर से विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले अंतरिक्ष सैनी, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सतीश कुमार, कांग्रेस के प्रदेश सचिव मैनपाल सिंह का नाम शामिल है। तो वहीं बीएसपी के प्रदेश सचिव योगेश कुमार, बीएसपी के हरिद्वार के विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह समेत 44 नेता अब बीजेपी के पटके को ओढ़ते हुए कमल थामते नजर आए। इस दौरान सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद रहे रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। आपको बता दें कि अगस्त में हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे अनेक वरिष्ठ लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, उन सबको हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए सबको ये पार्टी की रीति नीति के अनुसार आप आगे बढ़कर काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है और वो परिणामों की दृष्टि से एक तरफा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के जो सुशासन के जो दिन हैं, वर्ष हैं, जो उनका समय है, वो एक ऐसा इतिहास रचा गया है जिसको सारा विश्व सोचिए। किसी पार्टी की स्थिति ऐसी हो कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव में वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रधानमंत्री का नाम और बोलने वाला कौन, पूर्व मुख्यमंत्री, अगर इसका इस्तेमाल करना पड़े तो पंचायत चुनाव में आपकी क्या कुबत है उसका अंदाजा लगा लीजिए। देहरादून में राज्य महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस मुख्यालय से क्लॉक टावर तक देश में बढ़ती महंगाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली भी निकाली गई। महिलाओं ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत खाद्य सामग्री पर जीएसटी के खिलाफ महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला है। इस दौरान ज्योति रौतेला ने बताया कि सरकार ने हर एक खाद्यान्न पर जीएसटी थोपने का काम किया, जिससे महिलाओं को गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता तक पहुंचाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है, लेकिन आज महिलाएं भाजपा सरकार से त्रस्त आ चुकी हैं। बेरोजगारी आज इस देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 8% की बेरोजगारी है और आप महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जो महंगाई केंद्र सरकार बढ़ा रही है, महिलाओं के घरों में डाका डाल रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को चेताने के लिए था कि आम आदमी के खिलाफ आप इतने जुल्म मत कीजिए। आप अपने आप को आम आदमी की सरकार बोलते थे, लेकिन आज आम आदमी की पहुंच से बाहर आपका ये बजट जो है वो जा चुका है। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश शुरू होते ही तरह तरह की परेशानियां हैं जो आम लोगों के सामने आने लगी हैं। बारिश के चलते सड़कों की हालत खस्ता होने लगी है। आपको बता दें कि बागेश्वर से जोड़ने वाले कई गांवों की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जो आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब है। और दीवान सिंह टंगड़िया के आवासीय मकान की सुरक्षा दीवार भी टूट गई है, जिसके चलते अमसरकोट के ग्रामीण इलाकों के लोगों का काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अमसरकोट के प्रधानपति और ग्रामीणों ने प्रशासन से परेशानियों को दूर करने और उस पर ध्यान देने की गुहार लगाई है। वहाँ पे गाड़ी निकलने की बहुत काफी सक्रिय जगह हो रही है, वहाँ पे गाड़ी निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, डबल गाड़ी तो निकल ही नहीं पा रही है वहाँ पे। अब विभाग से हमने कंप्लेंट करी है, देखो अभी कोई आता है तो देखते हैं क्या होता है। मतलब सुबह से कल शाम से गड्ढा हो रहा है, अभी तक कोई वो नहीं है, दो दिन हो गए उसको। और बाकी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, कोई इसको देख नहीं रहा है और आज इसमें होल बहुत बड़ा हो चुका है, बड़ा होल बन गया है और जो खतरे का संदेश है, कभी भी खतरा हो सकता है, कभी किसी भी आदमी का किसी को हादसे का शिकार हो सकता है कोई भी आदमी।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित दोनों ही हो। नमस्कार।